4-inch. Inch. Ya sama. Range ya. 4-inch. 4-inch. Okay, so good morning to all of you. So, as per our last class, में कार्बोराइजिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था. मतलब केस हार्डनिंग क्या होती है ये पहले हमने देख लिया था कि केस हार्डनिंग क्या होती है. तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि केस हार्डनिंग में क्या होता है कि जो कंप्लीट पार्ट है या फिर जो कंप्लीट कंपोनेंट है उस कंप्लीट कंपोनेंट को हम हीट नहीं करते हैं. कंप्लीट कंपोनेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ है उन प्रॉपर्टीज़ को हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जो सरफेस है सरफेस के ऊपर हम हार्डनेस उसकी इंक्रीज कर सकते हैं. अगर सिर्फ सरफेस के ऊपर अगर हार्डनेस इम्प्रूव करनी है तो इसके लिए हम इस केस हार्डनिंग प्रोसेस का यूज करते हैं. और ये जो केस हार्डनिंग की जो प्रोसेस है इट इज़ स्पेशली यूज्ड विद द स्टील. ऐसे स्टील के लिए यूज़ करना है जिस स्टील में कार्बन का कंटेंट कम होगा. इसमें कार्बन का कंटेंट कम होगा, राइट. सो उसके बाद केस हार्डनिंग की अलग अलग प्रोसेसेस है. तो उसमें हमने कार्बोराइजिंग प्रोसेस को स्टार्ट किया था. कार्बोराइजिंग प्रोसेस का मतलब भी मैंने आपको बताया था. कार्बोराइजिंग एज द नेम इंडिकेट, जिस प्रकार से हम उसका नेम इंडिकेट होगा कार्बोराइजिंग, तो डिफ्यूजन ऑफ द कार्बन ऑन द सरफेस. यहाँ पे हम कार्बन का डिफ्यूजन करते हैं. बेसिकली हम यहाँ पे कार्बन का डिफ्यूजन करते हैं. तो क्या होगा, कार्बन का डिफ्यूजन करने के बाद कार्बन को हम मार्टेनसिटिक फॉर्म तक कन्वर्ट करते हैं. सिर्फ अगर हम कार्बन का डिफ्यूजन करते हैं तो रिक्वायर्ड हार्डनेस हमें ऑप्टेन नहीं होगी. हमें क्या करना पड़ेगा, जो कार्बन है उस कार्बन को मार्टेनसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मार्टेनसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे, जो भी कंपोनेंट है उस कंपोनेंट को ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर तक हीट करना है. कहाँ तक हीट करना है, ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर तक हीट करना है, तब जाके वो कार्बन मार्टेनसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, राइट. यहाँ पे लिखा देखो, हार्डनिंग इज़ नेसेसरी टू ब्रिंग द कार्बन इन द मार्टेनसिटिक फॉर्म आफ्टर कार्बोराइजिंग. कार्बोराइजिंग के बाद हार्डनिंग करनी है. हार्डनिंग किस लिए करनी है, क्योंकि हमें कार्बन को मार्टेनसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है. कार्बन को हमें मार्टेनसिटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसीलिए. उसके बाद
हमने सॉलिड कार्बोराइजिंग प्रोसेस को भी देख लिया था। सॉलिड कार्बोराइजिंग प्रोसेस को हम पैक कार्बोराइजिंग और बॉक्स कार्बोराइजिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इसके डायग्राम जो भी है, डायग्राम याद रखो, मोस्टली ये डायग्राम निकालने की कोशिश करो आप लोग। ये जो डायग्राम है, जो प्रीवियस डायग्राम है, वो प्रीवियस डायग्राम मत निकालो। जो कलर डायग्राम मैंने आप लोगों को दिखाई थी, जो कि दिस डायग्राम, ये डायग्राम मत निकालो आप। अगर एग्ज़ाम में एक्सप्लेन कार्बोराइजिंग प्रोसेस ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, तो आप ये डायग्राम ड्रॉ मत करो। आप लोगों को ड्रॉ करनी है ये डायग्राम, ओके। सो ये डायग्राम और जो मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिख के दिया था, वो डिस्क्रिप्शन भी आपको याद रखना है, राइट। सो उसके जो एडवांटेजेस है, वो एडवांटेजेस भी अच्छी तरीके से याद रखो कि एडवांटेजेस और उसके जो लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस भी। सॉलिड कार्बोराइजिंग की डायग्राम, एडवांटेजेस और उसके जो डिसएडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस भी बोल सकते हो या फिर आप उसको लिमिटेशंस भी बोल सकते हो, राइट। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस। कार्बोराइजिंग एक्चुअली हम तीन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट जो है वो सॉलिड कार्बोराइजिंग, सेकंड वन इज द लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड थर्ड वन इज द गैसियस कार्बोराइजिंग। तो इसमें हम फर्स्ट, अभी सेकंड लर्न करने वाले हैं लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पे देखो, इन दिस मेथड कार्बोराइजिंग इज कैरिड आउट बाय इमर्सिंग द स्टील कंपोनेंट। एक स्टील कंपोनेंट है, उस स्टील कंपोनेंट में हमें क्या करना है, इमर्स करना है। इमर्स भी बोल सकते हो या फिर आप उसको डीप करना भी बोल सकते हो। तो जो स्टील का कंपोनेंट है, उस स्टील के कंपोनेंट को हमें, जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर डीप करना है। और उस कंटेनर में क्या होगा, इन अ लिक्विड कार्बोनेसियस फ्यूज्ड साल्ट बाथ। इस नाम को याद रखो आप लोग, कैसे रखना है उसको, लिक्विड कार्बोनेसियस फ्यूज्ड साल्ट बाथ मेड एट टेम्परेचर इन द ऑस्टेनिटिक एट अ टेम्परेचर इन द ऑस्टेनिटिक एट अ टेम्परेचर इन द ऑस्टेनिटिक रीजन। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जस्ट वन मिनट। सपोज ऐसा कोई तो एक कंटेनर है, और उस कंटेनर में हमें कौन सा मटेरियल रखना है, कार्बोनेसियस मटेरियल ही रखना है। जिस प्रकार से हमने सॉलिड पार्ट था, हमारा जो सॉलिड पार्ट था, उस सॉलिड पार्ट में हमने कार्बोनेसियस मटेरियल को ही प्लेस किया था, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें कार्बोनेसियस मटेरियल का ही यूज करना है। लेकिन इसका फॉर्म कौन सा होगा, लिक्विड फॉर्म में हमें उसको यूज करना है, लिक्विड फॉर्म में यूज करना है, राइट। और ये जो लिक्विड फॉर्म में यूज करना है, इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ऑस्टेनिटिक रीजन तक उसका टेम्परेचर होना चाहिए। ऑस्टेनिटिक रीजन कहाँ पे होता है, अबो 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ऑस्टेनिटिक रीजन कहाँ पे होगा, तो अबो 727 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होगा। और ये जो साल्ट बाथ होगा ना, इस साल्ट बाथ में क्या क्या कंटेंट होगा, सोडियम साइनाइड, क्या इंक्लूड होगा, सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड को हम इंडिकेट करते हैं NaCN के नाम से। सोडियम Na और साइनाइड का मतलब क्या है, CN, याद रखो। सोडियम हम शो करते हैं Na, सोडियम हम शो करते हैं Na से, और साइनाइड को कैसे शो करते हैं हम, CN से। साइनाइड को कैसे शो करते हैं हम, CN से। सो सोडियम साइनाइड हो सकता है, राइट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है और सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। इस साल्ट बाथ में इन तीनों में से किसी भी एक का मिक्सचर यहाँ पे हो सकता है, तो वो सोडियम साइनाइड भी हो सकता है
उसके बाद सोडियम कार्बोनेट भी हो सकता है और सोडियम क्लोराइड भी हो सकता है। अल्सो एडेड टू द साल्ट बाथ आर अल्कलाइन अर्थ ऑफ द साल्ट्स ऑफ द बेरियम कैल्शियम टू इनकरेज द साइनामाइड शिफ्ट। देखो हमें क्या करना है, हमारे पास जो कार्बोनेसियस मटेरियल है उस कार्बोनेसियस मटेरियल से कार्बन डिफ्यूज करना है, कार्बन का डिफ्यूजन करना है। तो कार्बन का डिफ्यूजन करना है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होनी चाहिए, तभी तो कार्बन डिफ्यूज होगा। तो उस रिएक्शन को ऑकर करने के लिए अल्कलाइन साल्ट ऑफ द बेरियम और कैल्शियम इसका हम यूज़ करते हैं। मतलब ये जो कार्बोनेसियस मटेरियल है उस कार्बोनेसियस मटेरियल के साथ हम साल्ट्स ऑफ बेरियम और साल्ट्स ऑफ कैल्शियम का यूज़ करते हैं। तो कौन सी रिएक्शन ऑकर होगी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3NaCNO। तो ये क्या है, 3NaCNO मतलब क्या है, आपका लिक्विड कार्बोनेसियस फ्यूज्ड साल्ट बाथ मीडियम, कार्बोनेसियस फ्यूज्ड साल्ट बाथ मीडियम, ये क्या है 3NaCNO। ये जब डिफ्यूज़ होगा इस मटेरियल को, जब हम हायर टेम्परेचर के ऊपर यानी कि ऑस्टेनिटिक रीजन तक हम जब उसको हीट करेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, सोडियम साइनाइड मिलेगा। उसके बाद Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, कार्बन भी फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो सिर्फ कार्बन फॉर्म हो रहा है, यही कार्बन हमें डिफ्यूज़ करना है। इसी कार्बन का क्या करना है, हमें डिफ्यूजन करना है सरफेस के ऊपर। जिस कंपोनेंट की हार्डनेस सरफेस के ऊपर इम्प्रूव करनी है, तो उस सरफेस के ऊपर जो भी कार्बन हमें मिलेगा उस कार्बन को हम डिफ्यूज़ करेंगे। और सबसे लास्ट में हमें नाइट्रोजन भी मिलेगा, सबसे लास्ट में हमें नाइट्रोजन भी यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिखो एटॉमिक नाइट्रोजन दस प्रोड्यूस्ड डिफ्यूजन एंड दस रिजल्ट इन द कार्बोराइजिंग एंड नाइट्राइडिंग। हम तो सिर्फ कार्बोराइजिंग करना चाहते थे, लेकिन कार्बन के साथ यहाँ पे हमें एटॉमिक नाइट्रोजन भी मिल रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे नाइट्राइडिंग प्रोसेस भी ऑटोमेटिकली ऑकर हो जाएगी। इसका मतलब जब हम लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं, तो लिक्विड कार्बोराइजिंग के साथ नाइट्राइडिंग की भी प्रोसेस कैरी आउट होती है। क्योंकि जब कार्बन का फॉर्मेशन होता है, जब कार्बन का फॉर्मेशन होता है, तो उस कार्बन के फॉर्मेशन के साथ हमें एटॉमिक नाइट्रोजन भी मिल जाता है, एटॉमिक नाइट्रोजन भी मिल जाता है, राइट। तो इस प्रकार से हम लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस कैरी आउट करते हैं। तो इसके हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं। सो ये आप ब्लैक कलर में जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें क्या है, ये एक स्टील कंटेनर है, यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्टील कंटेनर है। इसके अंदर ये जो पूरा डैश आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है आपका फ्यूज्ड साल्ट बाथ, ये क्या है आपका फ्यूज्ड साल्ट बाथ, मतलब एक वाटर जैसा स्ट्रक्चर होता है, जैसे वाटर टाइप होता है। तो इसमें आप NaCN मतलब सोडियम साइनाइड है, उसके बाद BaCl2 मतलब साल्ट है बेरियम का, बेरियम के साल्ट को हम BaCl2 लिखते हैं, और NaCl मतलब जो नॉर्मली हम साल्ट खाते हैं उसका मिक्सचर भी NaCl जैसे ही होता है, तो वो है हमारा सोडियम क्लोराइड। तो ये साल्ट हम यहाँ पे, इस साल्ट का हम यहाँ पे इस तरीके से यूज करते हैं। और उसके बाद हम ये जो कंटेनर है ना, इस कंटेनर को हम यहाँ पे हीट करते हैं। देखो हीट मटेरियल है ना, होगा अंदर जो भी ये जो मटेरियल है ना, ये मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये जो फ्यूज्ड साल्ट बाथ है,
इस फ्यूज्ड साल्ट बाथ का टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाएगा। सो जैसे ही इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा, उसके अंदर जो भी कार्बन है वो कार्बन कौन से फॉर्म में चला जाएगा, कौन से फॉर्म में चला जाएगा, तो वो मार्टेनसिटिक फॉर्म में चला जाएगा। और वो मार्टेनसिटिक फॉर्म जो भी सरफेस है, यहाँ पे लिखा है देखो, कंपोनेंट टू बी कार्बोराइज्ड। कंपोनेंट टू बी कार्बोराइज्ड का मतलब क्या है कि जो ऐसा कंपोनेंट जिस कंपोनेंट की हमें कार्बोराइजिंग प्रोसेस कैरी आउट करनी है। ओके, ऐसे कंपोनेंट को हम क्या करते हैं, एक हैंगर होता है, उस हैंगर के ऊपर ऐसे हम जो भी स्टील का कंटेनर होगा उस स्टील के कंटेनर के अंदर उसको ऐसे डीप करके रखेंगे, राइट। और ये जो हीट है वो हीट क्या होगी, कभी कभी एटमॉस्फेयर को डिफ्यूज़ हो जाती है या फिर एटमॉस्फेयर को मर्ज हो जाती है, तो ये हीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम यहाँ पे देखो ऐसी रीफैक्ट्री ब्रिक का स्ट्रक्चर बना के रखते हैं। रीफैक्ट्री ब्रिक का स्ट्रक्चर होता है, इससे जो हीट है ना वो हीट एटमॉस्फेयर को डिसिपेट नहीं हो पाएगी, ये हीट एटमॉस्फेयर को डिसिपेट नहीं हो पाएगी, राइट। तो इस प्रकार से यहाँ पे उसको हम लिखते हैं, ओके। तो ये डायग्राम आपको याद रखना। अभी उसके एडवांटेजेस देखो, उसके एडवांटेजेस क्या है, साल्ट बाथ ऑफर्स द रैपिड एंड द यूनिफॉर्म कूलिंग। अगर आप लिक्विड कार्बोराइजिंग को सॉलिड कार्बोराइजिंग के साथ कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे जो साल्ट बाथ है वो साल्ट बाथ रैपिड एंड यूनिफॉर्म कूलिंग को प्रमोट करता है। मतलब जो कूलिंग होगा ना, ऑस्टेनाइटाइजिंग टेम्परेचर से कूल करना है, कहाँ तक करना है, और रूम टेम्परेचर तक कूल करना है। तो ये जो कूलिंग होगा, ये कूलिंग साल्ट बाथ में फास्ट होगा और यूनिफॉर्म होगा। ऐसे नहीं होगा कि एक जगह पे कूलिंग ज़्यादा हो रहा है, दूसरी जगह पे कूलिंग कम हो रहा है, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पे जो कूलिंग होगा वो कूलिंग कैसे होगा, यूनिफॉर्म होगा और फास्ट होगा। रैपिड का मतलब क्या होगा, फास्ट होगा। लो डिस्टोर्शन, मटेरियल डिस्ट्रॉय होने के या फिर मटेरियल ब्रेक होने के चांसेस लिक्विड कार्बोराइजिंग में बहुत ही कम है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सरफेस के ऊपर हार्डनेस इंक्रीज करने की, सरफेस के ऊपर हार्डनेस जब इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो कभी कभी मटेरियल ब्रेक हो जाता है, मटेरियल फेल हो जाता है। लेकिन अगर हम लिक्विड कार्बोराइजिंग करते हैं तो ऐसा ब्रेक होने के चांसेस ड्यू टू द डिस्टॉर्शन बहुत ही कम हो। रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द कार्बन, क्योंकि जो कार्बन फॉर्म होगा ना वो कार्बन लिक्विड में फॉर्म हो रहा है, तो ऑब्वियसली उसका जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एब्जॉर्प्शन बहुत ही फास्ट होगा। याद रखो, लक्षात ठेवायचं आहे बघा, सिंपल गोष्ट सांगतो, कधी पण कुठला पण सॉलिड पार्ट असेल किंवा सॉलिड जो कंपोनंट असेल ना, तर तो ॲब्झॉर्ब करायला खूप जास्त वेळ घेतो। पण तोच ज्या वेळेला आपण त्याचं पहिल्यांदा लिक्विडमध्ये कन्वर्जेशन करतो आणि लिक्विड कशा तरी गोष्टीमध्ये किंवा कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये ॲब्झॉर्ब करायला सांगतो ना, तर लिक्विड हे लवकर ॲब्झॉर्ब होतं। त्याच पद्धतीमध्ये इथं जे कार्बन प्रेझेंट असतं, तर ते कार्बन लिक्विड फॉर्ममध्ये असतं आणि त्यामुळे त्याचं जे ॲब्झॉर्प्शन आहे ते ॲब्झॉर्प्शन लवकर होतं। सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, याद रखो, जो सॉलिड कार्बोराइजिंग है वो सॉलिड कार्बोराइजिंग हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज नहीं कर सकते, बट द लिक्विड कार्बोराइजिंग वी कैन यूज इट फॉर द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए हम इस लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हैं। इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस, नो ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पे अगर आप वो रिएक्शन देखते हो तो रिएक्शन में कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा, सिंगल मतलब सेपरेट ऑक्सीजन नज़र नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का कोई भी चांस ही नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होने का कोई चांस नहीं है। ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब वहाँ पे करोजन होने के चांसेस ऑलमोस्ट ज़ीरो। अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है तो करोजन हो सकता है, बट वहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस ही ऑकर नहीं होगी,
तो वहाँ पे करोजन होने के चांसेस ऑलमोस्ट जीरो. इट इज सुटेबल फॉर द वर्क पीसेस ऑफ द वेरियस शेप्स एंड साइज. देखो उसको हमें लिक्विड में डीप करना है, जो भी पार्ट है वो पार्ट हमें क्या करना है, डीप करना है. तो डीप करना है तो कैसे डीप करेंगे, अगर क्रिटिकल शेप है तो वो कंटेनर के अंदर कभी कभी जाएगा नहीं. तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो भी वर्क पीसेस है उस वर्क पीसेस के, मतलब कोई भी वेरियस शेप्स एंड साइजेस के वर्क पीसेस को हम सुटेबली लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस कर सकते हैं. अभी देखो उसके डिसएडवांटेजेस. Na2CO3, देखो जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में हमें कौन सा पार्ट मिलने वाला है, यहाँ पे देख सकते हो Na2CO3, यहाँ पे कौन सा पार्ट मिलने वाला है हमें, Na2CO3 मिलने वाला है. तो ये जो Na2CO3 है ये बहुत ही पॉइजनसियस मटेरियल है, मतलब इट इज़ इक्विवेलेंट टू द पॉइजन, हेंस रिक्वायर्स द केयरफुल हैंडलिंग. इसीलिए जो लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस है उस लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस को हमें केयरफुली हैंडल करना पड़ेगा. साल्ट स्टिकिंग मस्ट बी रिमूव्ड बाय द वॉशिंग. और उसमें ये जो NaCl फॉर्म होता है ना, तो उस NaCl, ये जो NaCl है कभी कभी कंपोनेंट के ऊपर चिपक जाता है, तो उसे भी हमें रिमूव करना पड़ेगा उसको वॉश करके. एंड लास्ट वन इट इज़ अ कॉस्टली प्रोसेस. ये जो लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस है वो प्रोसेस कैसी है, कॉस्टली प्रोसेस है. और इसका एप्लीकेशन देखो कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इट इज़ यूज्ड फॉर द रैपिड प्रोडक्शन और रिलेटिवली थिन कार्बोराइज्ड केसेस. ऐसे कंपोनेंट के लिए ये प्रोसेस हमें यूज करनी है जिसके लिए हम, मतलब उनकी जो थिकनेस है वो थिकनेस कैसी होनी चाहिए, कम थिकनेस होनी चाहिए, थिक नहीं होनी चाहिए. मतलब उसकी जो थिकनेस है ना वो थिकनेस कम अगर है तो ऐसे पार्ट के लिए हम इस लिक्विड कार्बोराइजिंग का यूज कर सकते हैं. और इसमें जो हमें केस डेप्थ मिलती है ना, ये जो हमें केस डेप्थ मिलती है ना, तो ये केस डेप्थ कितनी मिल सकती है, यहाँ पे आप देख सकते हो 0.1 से लेके 0.5 mm तक हमें केस डेप्थ मिल सकती है. लेकिन उसके लिए टाइम कितना लग सकता है, हाफ आवर से लेके 1 आवर्स तक हमें इस कार्बोराइजिंग टेम्परेचर के ऊपर अगर हम हीट करते हैं तो जो केस डेप्थ है, मतलब जो हार्डनेस की जो डेप्थ है, वो हार्डनेस की डेप्थ हमें कितनी मिल सकती है, 0.1 से लेके 0.5 तक ऑब्टेन हो सकती है. राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट द लिक्विड कार्बोराइजिंग प्रोसेस. हे बघा, जेवढ्या केस हार्डनिंगच्या प्रोसेस आहेत त्या सगळ्या केस हार्डनिंगच्या प्रोसेसेसमध्ये डायग्राम तुम्हाला ड्रॉ करता आली पाहिजे, त्याचे ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, डिसॲडव्हान्टेजेस, आणि त्याचबरोबर त्याचे जे ॲप्लिकेशन्स आहेत ते सुद्धा लक्षात ठेवायचे. ओके, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टंट है, एग्जाम्स में इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए बता रहा हूँ. त्याची डायग्राम व्यवस्थित लक्षात ठेवायची, डायग्राम, त्याच्यानंतर त्याचे जे ॲडव्हान्टेजेस असतील, ॲडव्हान्टेजेस आणि डिसॲडव्हान्टेज, आणि त्याचबरोबर त्याचे ॲप्लिकेशन्स, की ती प्रोसेस आपण स्पेशली कशासाठी यूज करतो, तर हे सुद्धा त्याच्यात लक्षात ठेवायचं. ओके, अभी नेक्स्ट प्रोसेस है गॅस कार्बोराइजिंग. देखो अगर आप इन तीनों प्रोसेस को केयरफुली ऑब्जर्व करते हो, फर्स्ट हमने लर्न किया था सॉलिड कार्बोराइजिंग, तो ऑब्वियसली सॉलिड कार्बोराइजिंग में कार्बन का जो डिफ्यूजन होगा वो सॉलिड स्टेट में होगा. लिक्विड कार्बोराइजिंग में कार्बन का जो डिफ्यूजन होगा वो लिक्विड स्टेट में होगा, और जब हम गैस कार्बोराइजिंग कैरी आउट करेंगे तब कार्बन का जो डिफ्यूजन होगा वो डिफ्यूजन होगा
इन टर्म्स ऑफ द गैसियस स्टेट में, राइट। तो यहाँ पे हम कार्बोनेसियस मटेरियल कौन सा यूज करने वाले हैं? यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं मीथेन। मीथेन का केमिकल फार्मूला है CH4। उसके बाद इथेन, इथेन के लिए केमिकल फार्मूला है C2H6। और उसके साथ हम कुछ डाइल्यूट करेंगे इसको, किसके साथ डाइल्यूट करेंगे? विद अ कैरियर गैस सच एज द फ्ल्यू गैस। तो ये फ्ल्यू गैस किसके लिए यूज करेंगे? फ्ल्यू गैस इज यूज टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, हमें मीथेन भी नहीं चाहिए और इथेन भी नहीं चाहिए, हमें मीथेन और इथेन में जो कार्बन है वो कार्बन हमें चाहिए। तो इसका डिफ्यूजन करने के लिए इथेन और मीथेन से कार्बन को ड्रॉ, मतलब कार्बन को बाहर निकालने के लिए हमें फ्ल्यू गैस का यूज करना पड़ता है। किसका यूज करना पड़ेगा? हमें फ्ल्यू गैस का यूज करना पड़ता है। दीज कार्बोनेसियस गैस, ये जो कार्बोनेसियस गैस है जैसे कि मीथेन है, इथेन है, दीज कार्बोनेसियस गैस डीकम्पोज एंड डिफ्यूज द कार्बन इन द स्टील। इनका क्या होगा? डिफ्यूजन होगा, इनका डीकम्पोजिशन होगा, और जो कार्बन है वो कार्बन स्टील के सरफेस के ऊपर डिफ्यूज हो जाएगा। जो कार्बन है वो कार्बन स्टील के सरफेस के ऊपर इन द फॉर्म ऑफ द गैसियस स्टेट में डिफ्यूज हो जाएगा। इट शुड बी इंश्योर्ड दैट गैस कंपोजिशन एंड इट्स सर्कुलेशन ओवर द कंपोनेंट इज यूनिफॉर्म एंड प्रॉपरली कंट्रोल। ये थर्ड नंबर का पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी आपका कंपोनेंट है उस कंपोनेंट के ऊपर, इस कंपोनेंट के अंदर जो भी कार्बन डिफ्यूज होगा, अगर वो कार्बन का डिफ्यूजन यूनिफॉर्मली होगा, मतलब थ्रू आउट द कंपोनेंट और थ्रू आउट द सरफेस कार्बन का डिफ्यूजन अगर यूनिफॉर्म होगा तो अच्छा है। अदरवाइज अगर कार्बन का डिफ्यूजन अनयूनिफॉर्म रेट से हो रहा है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा कार्बन डिफ्यूज हो रहा है और कहीं पे कार्बन डिफ्यूज ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जहाँ पे कार्बन का डिफ्यूजन ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे हार्डनेस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जहाँ पे कार्बन का डिफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हुआ है वहाँ पे हार्डनेस ज़ीरो होगी। तो ऐसे कंपोनेंट जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, मतलब जहाँ पे हार्डनेस नहीं है अगर वहाँ पे लोड आ गया है तो ऑब्वियसली उस पार्ट को फेल ही होना पड़ेगा, उस पार्ट के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं होगा। गैस कार्बोराइजिंग प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली यूनिफॉर्म केसेस विथ अ शॉर्टर टाइम्स। ये जो गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस है ये क्या करेगी? यूनिफॉर्म केसेस फॉर्म करेगी। यूनिफॉर्म केसेस का मतलब क्या है? जो हार्डनेस होगी वो हार्डनेस आपको थ्रू आउट द कंपोनेंट यूनिफॉर्म ही मिलेगी, और वो भी एकदम कम समय में आपको यूनिफॉर्म थिकनेस वहाँ पे मिल जाएगी। इट डज नॉट रिक्वायर हीटिंग ऑफ द एनी बॉक्स एज इन केस ऑफ द सॉलिड कार्बोराइजिंग एंड लिक्विड कार्बोराइजिंग। तो यहाँ पे जैसे हमने सॉलिड कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग में एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर को हीट किया था, लेकिन यहाँ पे इन केस ऑफ द गैस कार्बोराइजिंग यहाँ पे हमें किसी भी बॉक्स को हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होगी। द टेम्परेचर एट विच कार्बन डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इज ऑल्सो लोअर दैन दैट फॉर द सॉलिड कार्बोराइजिंग। सॉलिड कार्बोराइजिंग के लिए जितना टेम्परेचर हमें लगता था उससे कई ज़्यादा कम टेम्परेचर हमें गैस कार्बोराइजिंग में लगने वाला है। सो दोनों केस में देखो, यहाँ पे सॉलिड कार्बोराइजिंग में एक तो हमें कंटेनर को हीट प्रोवाइड करनी पड़ती थी, लेकिन गैस कार्बोराइजिंग में हीटिंग की कोई भी ज़रूरत नहीं है। एंड सेकंड, जो टेम्परेचर हमें सॉलिड कार्बोराइजिंग में मिलता था उससे कई कम टेम्परेचर
हमें गैस कार्बोराइजिंग में कार्बन को डिफ्यूज करने के लिए लगने वाला, राइट? सो अगर आप डायग्राम देखते हो तो डायग्राम देखो, यहाँ पे देखो एक टैंक है, उस टैंक में क्या रखा है, कार्बोराइजिंग गैस रखा है। कार्बोराइजिंग गैस का मतलब क्या होगा, या तो मीथेन होगा या तो इथेन होगा। तो ये जो गैस का कंटेनर है, इस गैस के कंटेनर में हम मीथेन या फिर इथेन प्लेस करने वाले हैं। यहाँ पे देखो एक वॉल है, इस वॉल के थ्रू हम क्या करेंगे, जो भी इथेन और मीथेन होगा उसे फ्लो मीटर के थ्रू हम इस कंटेनर में, यहाँ पे देखो इस कंटेनर में ऐसे प्लेस करेंगे। और यहाँ पे बोला था मैंने आपको हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डिवाइस है उस डिवाइस में ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल हीटर्स लगे हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर है, यहाँ पे ये जो डॉट डॉट्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब क्या है, इलेक्ट्रिकल हीटर्स है। तो इसीलिए आपको बाहर से हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। जो बाहर से हम सॉलिड कार्बोराइजिंग और लिक्विड कार्बोराइजिंग में जो हीट प्रोवाइड करते थे ना, तो यहाँ पे आपको बाहर से हीट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिस्टम के अंदर ही इलेक्ट्रिकल हीटर्स यहाँ पे अटैच है। सिस्टम के अंदर ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हीटर्स अटैच है। ये जो ब्लैक कलर के आपको दिखाई दे रहे ना, ये ब्लैक कलर के क्या है, आपको कंपोनेंट्स है। ये ब्लैक कलर के क्या है, कंपोनेंट्स है। इस कंटेनर, यहाँ पे लिखा है देखो, कंटेनर फॉर लोडिंग द वर्कपीस। वर्कपीस को लोड करने के लिए ये अंदर ऐसा है ब्लैक कलर का कंटेनर दिया हुआ है। इस कंटेनर के अंदर जो वर्कपीस होगा जिसकी हमें गैस कार्बोराइजिंग करनी है, उस कंपोनेंट को यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। और ये जो लाइनिंग आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये जो कंप्लीट फर्नेस है, इस कंप्लीट फर्नेस को कहा जाता है रीटोर्ट फर्नेस। नाम थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन याद रखने की कोशिश करो, रीटोर्ट फर्नेस, RETORT, रीटोर्ट फर्नेस, राइट? इसके अंदर एक फ़ैन भी होता है। फ़ैन किस लिए होता है, क्योंकि जब इन इलेक्ट्रिकल हीटर्स का जब हम यूज़ करेंगे ना, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, अबोव 727 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा चला जाएगा। तो उसे इतने हाई टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर तक कूल करना है, तो इसके लिए ऑब्वियसली यहाँ पे एक कूलिंग फैन भी होना चाहिए, राइट? और अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, सो ये जो अंदर वाली लाइनिंग है ना, जहाँ पे ऐसे डैश डैश आप लोगों को दिखाई दे रहा है, सो इट इज़ अ फायर ब्रिक लाइनिंग। ये क्या है, फायर ब्रिक लाइनिंग है। मतलब क्या है, जो हीट है वो हीट इस फर्नेस के बाहर नहीं जानी चाहिए, इस फर्नेस के बाहर नहीं जानी चाहिए। और उसके बाद ये जो डॉट डॉट आप लोगों को दिखाई दे रही है, ये क्या है, पाउडर है। किसकी पाउडर है, हीट इंसुलेटिंग पाउडर है। हीट इंसुलेटिंग पाउडर का यूज किस लिए करते हैं, क्योंकि ये जो अंदर की हीट है वो हीट एटमॉस्फेयर को डिफ्यूज़ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए हम इस हीट इंसुलेटिंग पाउडर का यूज करते, राइट? सो गैस कार्बोराइजिंग के लिए आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी। ऐसे जो क्वेश्चन है, देखो कार्बोराइजिंग है, नाइट्राइडिंग है, फ्लेम हार्डनिंग है, इंडक्शन हार्डनिंग है, इन सभी के ऊपर आपको पार्ट डी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इनके जो डायग्राम्स हैं वो डायग्राम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हैं। तो इसीलिए अगर आपको एक्सप्लेन कार्बोराइजिंग अगर आता है, तो वो आपको पार्ट डी में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, राइट? अभी हम गैस कार्बोराइजिंग के एडवांटेजेस देखने वाले हैं। सो एडवांटेजेस में देखो, गैस कार्बोराइजिंग इज सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए हम गैस कार्बोराइजिंग का यूज करने वाले हैं। नेक्स्ट, हार्डनिंग डेप्थ कैन बी कंट्रोल्ड। हार्डनिंग की जो डेप्थ है, उस डेप्थ को हम गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस में कंट्रोल कर सकते हैं। कार्बन कैन बी एडेड यूनिफॉर्मली ऑन द सरफेस। जो कंपोनेंट होगा, उस कंपोनेंट का जो सरफेस है उसके ऊपर जो कार्बन की एडिशन होगी,
वो कार्बन के एडिशन हम यूनिफॉर्मली कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, कॉम्प्लिकेटेड कोई भी प्रोसेस नहीं है, एकदम सिंपल प्रोसेस है। सराउंडिंग्स आर नॉट अफेक्टेड। इस प्रोसेस से जो भी सराउंडिंग होगा, जो भी एनवायरनमेंट होगा, वो एनवायरनमेंट बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। फास्टर प्रोसेस दैन द पैक कार्बोराइजिंग। अगर आप गैस कार्बोराइजिंग के साथ सॉलिड कार्बोराइजिंग को कंपेयर करते हो तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस है। गैस कार्बोराइजिंग की प्रोसेस कैसी है, थोड़ी सी फास्ट प्रोसेस है। नो डिस्टॉर्शन ऑकर। इस प्रोसेस का भी यूज करते हो तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन यानी कि मटेरियल ब्रेक होने के कोई भी चांसेस नहीं। डिसएडवांटेजेस क्या है, एज कंपेयर टू द पैक कार्बोराइजिंग हायर स्किल्ड पर्सन आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन द नेसेसरी कंट्रोल। डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको गैस कार्बोराइजिंग की प्रोसेस करनी है तो इसके लिए आपको स्किल्ड वर्कर की ज़रूरत है। जैसे इन केस ऑफ सॉलिड कार्बोराइजिंग एंड लिक्विड कार्बोराइजिंग अनस्किल्ड वर्कर भी उसे ऑपरेट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे जो भी कंट्रोल्स है उन कंट्रोल्स को मेंटेन करने के लिए आपको स्किल्ड वर्कर या फिर स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन। दिस ट्रीटमेंट इज यूज टू ऑब्टेन थिन केसेस ऑफ द हाई यूनिफॉर्मिटी। इस प्रोसेस का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इस प्रोसेस की जो यूनिफॉर्मिटी है, मतलब जो यूनिफॉर्म मेंटेन होता है, जो सरफेस है वो सरफेस हमें यूनिफॉर्म हार्डनेस का मिलता है, तो यही उसका सबसे बड़ा एडवांटेज और एप्लीकेशन भी। जहाँ पे हमें थिन केसेस है, थिन केसेस का मतलब क्या है, जिनकी हार्डनेस कम होगी या फिर सॉरी जिनका थिकनेस कम होगा उन्हें हम थिन केसेस कहते हैं, तो यहाँ पे थिन केसेस में हाई यूनिफॉर्मिटी हमें मिल जाती है। और लास्ट पॉइंट देखो, इसमें जो केस डेप्थ हमें मिलती है ना, वो केस डेप्थ कितनी होनी चाहिए, 0.2 से लेके 0.5 mm तक होनी चाहिए, 0.2 से लेके 0.5 mm तक होनी चाहिए, कैन बी ऑप्टेन। उसके लिए कितने आवर्स होल्ड करना पड़ेगा आपको, 1 to 2 आवर्स आपको होल्ड करना पड़ेगा एट अ टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 900 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अगर आप 1 या 2 घंटे के लिए होल्ड करते हो तो आपको केस डेप्थ कितनी मिल सकती है, 0.2 से लेके 0.5 mm तक मिल सकती है, राइट। सो दिस इज द कार्बोराइजिंग, दैट इज द गैस कार्बोराइजिंग प्रोसेस। अभी तक हमने क्या क्या कवर किया था, जो हमारा केस हार्डनिंग प्रोसेसेस है आपको बता देता हूँ। हम अभी क्या सीख रहे हैं, केस हार्डनिंग मेथड्स। तो केस हार्डनिंग मेथड्स में हमने कार्बोराइजिंग प्रोसेस को कंप्लीट किया है। कार्बोराइजिंग में कार्बन का डिफ्यूजन होता है, इतना याद रखना है आपको। सॉलिड कार्बोराइजिंग में सॉलिड कार्बन का डिफ्यूजन होता है, लिक्विड कार्बोराइजिंग में लिक्विड कार्बन का डिफ्यूजन होता है, और गैस कार्बोराइजिंग में गैसियस स्टेट कार्बन का डिफ्यूजन होता है। लिक्विड कार्बोराइजिंग एंड गैस कार्बोराइजिंग, ये दोनों टाइप ऑफ द कार्बोराइजिंग हम मास प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। मतलब अगर कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हैं तो इसके लिए हम लिक्विड कार्बोराइजिंग और गैस कार्बोराइजिंग का यूज करते हैं, राइट। नाइट्राइडिंग और कार्बोनाइट्राइडिंग जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, बट आप लोगों को एक प्रोसेस दिखाना चाहता हूँ कि लिक्विड ये जो लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस है, वो लिक्विड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस किस तरह से ऑकर होती है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो, इस तरीके का ये कंटेनर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और अंदर देखो ये कार्बोनेसियस मटेरियल। अभी ये गैस नाइट्राइडिंग बता रहा है,
यहाँ पे जो है वो गैस नाइट्राइडिंग है, तो ऑब्वियसली ये नाइट्रोजन का मटेरियल होगा नाइट्रोजन डिफ्यूज़ करने के लिए। तो सेम टाइप का होता है, ऐसा एक कंटेनर होता है, तो जैसे हम हीटिंग करते जाते हैं ना, तो उस प्रकार से उसका डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, वो नेटवर्क बहुत ही स्लो चल रहा है इसलिए से वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, इसका मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लिक्विड नाइट्रोजन की प्रोसेस, सॉरी लिक्विड कार्बोराइजिंग, सॉलिड कार्बोराइजिंग की प्रोसेस कैरी आउट होती है। ये एक वीडियो में मैं आप लोगों को बता देता हूँ, राइट? सो ठीक है। और सबसे अभी देखो, ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट सिलेबस ख़त्म होने आया है, एक हार्डली 10 लेक्चर्स में हमारा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। अभी तक जो जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, ऑलमोस्ट आउट ऑफ 10, 10 में से हमारे 8 यूनिट कंप्लीट हो चुके हैं। तो 8 यूनिट तक आप सब लोगों की नोटबुक जो है वो नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए, राइट? सो ये सॉरी 8 भी नहीं, 25.9 अभी जो हमारा यूनिट है वो यूनिट चल रहा है 25.9 तक जो नोटबुक है वो नोटबुक आप लोग अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखो। ओके, तो ठीक है, अभी आप अटेंडेंस मेंशन करके मीटिंग को लेफ्ट कर सकते हो।